तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो सारे? से ठीक है। आप सबका स्वागत है विंग्स एक उड़ान की धुरीना ऐप में, ऑनलाइन कोर्स में। ये ऑनलाइन कोर्स अभी जो मैं वीडियो सीरीज जिस कंपोनेंट की कवर कर रहा हूँ वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। टेलीग्राम में एक लड़की थी, शायद मीनल नाम है उनका, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही वीडियो आई है, तो फर्स्ट हमें जो कंपोनेंट हैं उनको पहले कंप्लीट करना है, फिर हम उसमें पहुंचेंगे। राइट, पहले हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया खत्म कर लेते हैं, इसके बाद सीधा मैं जाऊंगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, जे एंड के में। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, जे एंड के में जाने के बाद सिर्फ फिर क्लाइमेट ऑफ जे एंड के खत्म करेंगे, फिर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स ऑफ जे एंड के खत्म करेंगे। राइट, ये टॉपिक मेरी कोशिश है कि मैं आपको आने वाले 3-4 दिन में ये टॉपिक कवर करवा दूं। अगर ये टॉपिक कवर हो गए तो आपका जीएस का 50% कॉम्पोनेंट खत्म होगा। राइट, अब देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले जो बच्चा सीधा क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 3 वीडियो देखेगा वो बहुत गलत करेगा। उससे पहले उसको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से देखनी है, क्योंकि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा लेने देना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के साथ। राइट, क्लियर है? और उसके बाद वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे जो दो क्लाइमेट पे जो मैंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो बनाई है, ठीक है ना, तो आपको वो भी देखनी है। अब आज हम स्टार्ट करें क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। अगर आपने पीछे सब रिवाइज किया होगा तो आज आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स रहे भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहां पे हम एक बार देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया दोस्तों। तो हमारा जो क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री है, इसका मतलब है कि स्टडी करना अपने कंट्री में क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की। वो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से? टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और साथ साथ में क्या, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया? क्लाइमेट ऑफ इंडिया मींस टू स्टडी द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर प्रेशर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, इन सब की स्टडी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री और क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नाउ दीज एलिमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड की वेलोसिटी, विंड की डायरेक्शन, एटमोस्फेरिक प्रेशर लो है या हाई है, रेनफॉल कहां पे स्लो हो रहा है, कहां पे रेनफॉल, कहां पे थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, कहां पे लाइटनिंग हो रही है, टेम्परेचर कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा है। इन सब क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों? वो फैक्टर्स कौन कौन से? जैसे आपको रेनफॉल हर जगह बिल्कुल बराबर थोड़ी मिलेगी, है ना? आपको रेनफॉल हर जगह क्या बराबर मिलेगी? चेक करो, आपको नहीं मिलेगी रेनफॉल हर जगह बराबर। जितना वेस्टर्न घाट्स पे रेनफॉल हो रही है उतनी रेनफॉल आपको जे एंड के में देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, और या आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला फैक्टर दोस्तों जो हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट फैक्टर इज लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लोकेशन बहुत मैटर करती है। व्हाट इज द लोकेशन और कौन से लैटिट्यूड में वो पढ़ रहे हैं, उससे डिटरमाइन होगा टेम्परेचर। क्यों नहीं होगा टेम्परेचर? 100% डिटरमाइन होगा। अब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, दैट इज 8 degree north to 37 degree north, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था, पॉलिटिकल इंडिया में भी पढ़ा था, ठीक है? जो एरिया बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, दे आर क्लोजर टू इक्वेटर, जिसके वजह से वो गर्म है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा जोन है? टॉरिड जोन है, हमने पढ़ा था, याद हो आपको? तो क्या बोल रहा है, एरिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर क्लोजर टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, है ना? एंड द एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड हेंस दे एक्सपीरियंस व्हाट, लो टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आपका उत्तराखंड, फॉर एग्जाम्पल आपका जे एंड के, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, यू विल सी द डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब आगे, अगर मैं और चीज क्लियर करूं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें क्लियर है ना, कोई टेंशन होगी मुझे जरूर बताना। अब बोलते हैं दूसरा फैक्टर जो क्या करता है क्लाइमेट के एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो फैक्टर है दोस्तों क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या आ गया, हिमालयस। नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या आ गया, हिमालयस। बच्चा हिमालयस क्या करते हैं, हिमालय रेंज क्या करते हैं, हिमालय रेंज प्रोटेक्ट करते हैं किसको, इंडिया को। कहां से? कोल्ड विंड। जो इंडिया के पीछे कौन सी कंट्री है, चाइना। चाइना के पीछे कौन सी कंट्री, रशिया। बच्चा रशिया से इतनी ठंडी हवाएं आती हैं, इतनी ठंडी हवाएं आती हैं,
वो अगर हिमालय ना होता तो हमारा ये यूपी बिहार तो पहले होता ही नहीं, और यहाँ पे पूरा ड्राई रीजन होता है, पूरा ड्राई रीजन, क्योंकि कोल्ड बच्चे ठंड में हम क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, क्या करने के लिए, अपने हाथों को ड्राई, अपने स्किन को ड्राई ना होने देने के लिए। तो ठंडी हवा एटमॉस्फेयर में क्या करती है, ड्राइनेस लाती है, डेसिकेटिंग इफेक्ट, एरिड बनाती है उसको। तो अगर हिमालयस ना होते तो टेम्परेचर जो आज इंडिया का है, जो इंडिया में रेनफॉल है वो होती ना, इंडिया में जो मॉनसून, जो जम्मू में आप अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर में के बीच में जो आप बरसातों से बारिश एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो आती नहीं अगर हिमालयस ना होते। तो क्या रेनफॉल को नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब हिमालयस कर रहे, नहीं कर रहे इन्फ्लुएंस, 100% इन्फ्लुएंस कर रहे, 100% इन्फ्लुएंस कर रहे। और यही नॉर्दर्न माउंटेन्स पार्ट ही किसका भी है, फिजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोग्राफी मेन रीजन है, मेन एलिमेंट है, मेन चीज है जो क्लाइमेट के एलिमेंट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं डायग्राम बनाई है, आई होप आपको ये डायग्राम बड़े अच्छे से दिख रही होगी दोस्तों, देखो सॉरी बच्चा, आप अगर देखेंगे अगर मैं ये क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं क्या, इंडिया। तो मैंने बोला ये क्या है जी दोस्तों, ये क्या है, वेस्टर्न घाट से, राइट, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट से। एक मिनट देखने दो, मुझे दिख रहा है आपको कैमरा में, हाँ दिख रहा है ना अच्छे से। तो दोस्तों ये क्या है, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स। अब अगर आप वेस्टर्न घाट्स पे जाते हैं तो वेस्टर्न घाट्स को हम पहाड़ बना लेते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न स्लोप है ना, ये वाला स्लोप, ये वाला, ये वेस्टर्न स्लोप, ये आप देखोगे यहां पे फॉरेस्ट आपको ज्यादा डेंस मिलेंगे, फॉरेस्ट क्या मिलेंगे, बहुत डेंस मिलेंगे। और वही वेस्टर्न घाट का अगर आप ईस्टर्न स्लोप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट जो है वो लेस डेंस है, फॉरेस्ट क्या है, लेस डेंस है, फॉरेस्ट क्या है दोस्तों, लेस डेंस है। क्यों, क्योंकि क्योंकि इंडिया में जो रेनफॉल होती है मैक्सिमम मॉनसून से जो रेनफॉल है दैट इज ओरोग्राफिक, क्या दोस्तों, ओरोग्राफिक रेनफॉल, याद रखना। इंडिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है, बच्चा रेनफॉल इज ऑफ थ्री टाइप्स, ओरोग्राफिक कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, लिख लो बच्चा, रेनफॉल इन इंडिया, नहीं ऐसे आप लिखोगे, रेनफॉल इज ऑफ थ्री टाइप्स, कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल, दूसरा ओरोग्राफिक, ओ आर ओ जी आर ए पी एच आई सी, और तीसरा आ गया आपका क्या, फ्रंटल रेनफॉल। हमने याद रखना है कि इंडिया में ज्यादा रेनफॉल किससे होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरो मींस माउंटेन, ओरो मींस माउंटेन, ओरो मींस क्या दोस्तों, माउंटेन। अब क्या होता है देखना, आप मॉनसून से जो विंड्स हैं दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे, अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि ये है ना दोस्तों अरेबियन सी, राइट, बोलते हैं सबसे पहले बच्चा मॉनसून क्या है, रेन बियरिंग विंड्स, बारिश करवाने वाली हवाएं, और बोलते हैं बारिश करवाने वाली हवाएं सबसे पहले अरेबियन सी से एंटर होती हैं, कहां की तरफ आती हैं, ऐसे डायरेक्शन में आती हैं, राइट, ऐसे डायरेक्शन में आती हैं, आके रेनफॉल करती हैं। बट जैसे यहां पे एंटर होते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स को अब हम ऐसे बना लेते हैं पहाड़, तो आपको पता चलेगा वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप में आके सबसे पहले टकराती हैं, जैसे टकराती है हवाएं राइज करती हैं, राइज करके टेम्परेचर कम होता है, मैंने आपको क्या बताया था, विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। और जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा दोस्तों, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ेगी, क्या होगा, ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ेगी। बच्चा ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, उतारो नोट डाउन करो, ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, वाटर वेपर की मात्रा एयर में कितनी है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और बोलते हैं एयर में वाटर वेपर तब बढ़ता जाएगा जब टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर कम कब कम होगा, जब एयर राइज करेगी। यहां पे क्या किया वेस्टर्न घाट्स ने, वेस्टर्न घाट्स ने क्या किया, एयर, एयर जैसे आई
एयर को राइज करवाया, स्लोप को फॉलो किया, राइज करते हुए टेम्परेचर डिक्रीज, ह्यूमिडिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर डिक्रीज, ह्यूमिडिटी बढ़ता गया, तो हुआ क्या उसे? टेम्परेचर डिक्रीज और ह्यूमिडिटी बढ़ती गई। जब एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ी, एक टाइम पे एयर पूरी पानी से भर गई और यहां पे बादल बनना स्टार्ट हुए वेस्टर्न स्लोप पे, और उन्होंने रेनफॉल करवाई। रेनफॉल किसकी वजह से हुए? माउंटेन। माउंटेन कौन? वेस्टर्न घाट। मतलब रेनफॉल जो है वो ओरो माउंटेन की वजह से, इसलिए बोला ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर दोस्तों वेस्टर्न घाट्स ना होते तो केरला में रेनफॉल होती नहीं। ये बेसिकली रीजन है। वेस्टर्न घाट्स ने क्या किया? रेन बियरिंग विंड्स को रोक के, राइज करवा के, बादल बना के क्या कर दिया जी? बारिश करवा दी। अब माउंटेन के जिस स्लोप में, ये वेस्टर्न स्लोप है दोस्तों, ये क्या है? ईस्टर्न स्लोप है। माउंटेन के जिस स्लोप में हवा टकराई और जिस स्लोप में बादल बनके बारिश हुई, उसको बोलते हैं क्या? विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं उसको? विंडवर्ड साइड। और इसी स्लोप की बिल्कुल ऑपोजिट स्लोप, जहां पे रेनफॉल नहीं हुई, रेनफॉल क्यों नहीं? जब एयर नीचे जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो बादल कैसे बनेंगे? बादल बन ही नहीं सकते, आप समझ रहे हो। तो जो बैकवर्ड स्लोप है इसका, किसका? पहाड़ का, उसको हम क्या बोलेंगे? लीवर्ड साइड और रेन शेडो जोन। और क्या बोलेंगे? रेन शेडो जोन। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाए थे, हम डायग्राम में वापस चलते हैं दोस्तों। तो डायग्राम में हम देखते हैं तो आपको क्लियर होगा डायग्राम में। यस, देखिए, सपोज करें ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। क्या है दोस्तों? ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट का देखो विंड डायरेक्शन, देख रहे हो? ये विंड डायरेक्शन, राइज हुई, बादल बने और बारिश हुई। जिस जगह बारिश हुई उसको हमने क्या बोला? विंड वर्ड साइड। और जहां पे हवा वापस नीचे उतरी तो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी, बादल नहीं बनेंगे। जहां से हवा उतरेगी, जिस स्लोप से, उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड और रेन शेडो जोन। रेन शेडो जोन, क्या बोलेंगे? रेन शेडो जोन। आप देखिए ना दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के इंटीरियर में जाना स्टार्ट करेंगे, आप वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से वेस्ट से आप ईस्ट जाना स्टार्ट करें, तो आपको जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हुए मिलेगी। रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है, तभी आपको पता चलेगा महाराष्ट्र का इंटीरियर, कर्नाटका का इंटीरियर, तेलंगाना रीजन, ये क्या है? ये सारे इंटीरियर, ये सारे लीवर्ड साइड में पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? ये लीवर्ड साइड में, जहां पे सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा फार्मर्स क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। तो क्या फिजियोग्राफी का लेने देना है? नहीं है, 100% है, 100% है। अब यही विंड जब यहां से टकराती है, गुजरात से होते हुए ये विंड राजस्थान से क्रॉस करते हुए कहां पहुंचती है? J&K पहुंचती है, बारिश करवाते हुए। सिर्फ राजस्थान में जो बारिश जो है ये करवा नहीं पाती है, कहां पे? राजस्थान में जो मॉनसून विंड, हालांकि मॉनसून विंड एक अंदर चलेगी रेनफॉल करवाने के लिए, एक ऊपर गुजरात से क्रॉस होके, राजस्थान से क्रॉस होके, यही विंड जाके क्या कर रही है? दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू में रेनफॉल करवा रही है। बट राजस्थान में रेनफॉल क्यों नहीं करवा पा रही है? क्योंकि राजस्थान में ये जो विंड है ये परपेंडिकुलर है किस माउंटेन के? उसका नाम है अरावलीज माउंटेन। क्या नाम है? परपेंडिकुलर है, पैरेलल। क्या है? अरावलीज माउंटेन के क्या है? ये पैरेलल है। अगर अरावलीज माउंटेन ऐसे ना होके, अगर अरावलीज माउंटेन ऐसे ना होके ऐसे होते, तो आज राजस्थान रेतीला इलाका होता ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं, वो रेन बियरिंग विंड्स हैं, दे फ्लो ब्लो पैरेलल टू अरावली रेंज, जिसकी वजह से ये राजस्थान में रुक ही नहीं पाती है और राजस्थान में रेनफॉल नहीं हो पाती मॉनसून से, बड़ी कम, नेग्लिजिबल रेनफॉल। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? तो क्या फिजियोग्राफी का लेना देना है? नहीं। अगर अरावलीज ऐसे परपेंडिकुलर होती, ऐसे परपेंडिकुलर, तो 100% रेनफॉल होता। बट अरावलीज क्या है? पैरेलल है राजस्थान के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है दोस्तों? अब
आप देखोगे, आपको पता चलेगा मानसून के टाइम पे, जून से लेकर सितंबर के टाइम पे आप देखेंगे कि कश्मीर भी क्या है, रेनफॉल रिसीव नहीं करता, रेनफॉल रिसीव नहीं करता मानसून से, कश्मीर रेनफॉल रिसीव नहीं करता मानसून से, और जम्मू रेनफॉल रिसीव करता है किससे, मानसून से। अब बोलते हैं ऐसा क्यों, बिकॉज कश्मीर इज इन दी लीवर्ड साइड ऑफ व्हाट, मिडल हिमालयस। मिडल हिमालय कौन सा दोस्तों, पीर पंजाल। और जम्मू इज इन विंडवर्ड साइड ऑफ मिडल हिमालय। आप खुद सोचो ना, मैं जम्मू, मेरे जम्मू के पीछे कश्मीर होगा और जम्मू के आगे क्या है, साउथ है, जहां से रेन बेयरिंग विंड्स आ रही है। तो ये अगर मैं पहाड़ हूं, ये मार्कर जम्मू है और इसी मार्कर के बिल्कुल इस स्लोप में कश्मीर है, तो मैं क्या करूंगा, रेन बेयरिंग विंड्स को रोक दूंगा, ऐसे रोक दूंगा, है ना। ये आप सपोज करो, अब मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन खड़ा रहो, मैं क्या हूं, मिडल हिमालयस हूं, दिस इज मिडल हिमालयस। ये जो ब्लू मार्कर है, ये क्या है, ब्लू मार्कर क्या है जी, ये सॉरी ब्लैक मार्कर क्या है, ये जम्मू है सिटी, और ये जो रेड मार्कर है ये क्या है, ये कश्मीर है। तो नीचे क्या है, साउथ, जहां से मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं। तो मॉनसूनल विंड्स आती है, टकराती हैं यहां पे पहाड़ को, आगे जाने का बादल बनाती हैं, रेनफॉल कराती हैं जम्मू में, और पीछे कश्मीर में रेनफॉल नहीं हो पाती। तो क्या फिजियोग्राफी एक ऐसा फैक्टर है जो टेम्परेचर रेनफॉल को इन्फ्लुएंस कर रहा है? आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ के, कोई टेंशन तो नहीं है, चले हम आगे। अब देखिए दोस्तों, इन टॉपिक्स में अगर टाइम लग भी जाए ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन, ठीक है। अब अगर देखेंगे, बोलते हैं दी प्लेसेस लोकेटेड एट हायर आल्टीट्यूड हैव कूल क्लाइमेट इवन दे आर लोकेटेड इन द पेनिनसुलर इंडिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, कितना इसको अच्छे से करते हैं, हमने बोला ये क्या है जी, हमारा पेनिनसुला 23.5 degrees नॉर्थ से क्या पास होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ है, साउथ ही आ गया पेनिनसुला, यहां पे हाई टेम्परेचर रहता है, क्यों, क्योंकि इट इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर, है ना, क्योंकि ये क्या वर्टिकल रेज रिसीव कर रही है सन की। लेकिन अब तमिलनाडु में अगर आप चले जाओगे तो यू विल सी, तमिलनाडु में जो ऊटी है उसका चेन्नई से टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा इलाका है, बिकॉज ऑफ हाइट और आल्टीट्यूड। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मैं आपको बताता हूं कि ये सपोज करें, ये क्या हीट सोर्स है, ये आग लगी हुई है, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है, एक बंदा इस पोजीशन में है जो आग सेक रहा है, एक बंदा इस पोजीशन में है जो आग सेक रहा है, जो हीट लेने की कोशिश कर रहा है, जल्दी ये गर्म होगा, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू व्हाट, हीट सोर्स। जैसे जैसे ये पैन ऊपर जाता जाएगा तो इसको हीट क्या मिलती जाएगी, कम मिलती जाएगी, मतलब विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर विल डिक्रीज, दिस सेम फॉलोज इन व्हाट, ट्रोपोस्फेयर। यही है, अगर आप देखोगे सर्दियों में जो रेनफॉल होती है जम्मू जे एंड के में, जम्मू में आपको वो प्रेसिपिटेशन दी फॉर्म ऑफ रेन मिलेगी, प्रेसिपिटेशन होता बचा पानी का गिरना किसी फॉर्म में। अब जम्मू में कभी भी प्रेसिपिटेशन होती, पानी गिरता है, वो किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, रेनफॉल। लेकिन यही विंटर में आप कश्मीर जाओगे तो आपको प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में मिलेगी, स्नोफॉल, बिकॉज ऑफ आल्टीट्यूड। वो इतने आल्टीट्यूड में जहां पे स्नो, जो प्रेसिपिटेशन है वो किस फॉर्म में होगी, स्नो, पत्नी टॉप देख लो आप,
उधमपुर में आपको कभी स्नोफॉल नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी टॉप में आपको स्नोफॉल मिलेगा क्योंकि पत्नी टॉप का आल्टीट्यूड बहुत ऊंचा है उधमपुर से, जिसकी वजह से वो जो प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एक्सपीरियंस करता है। तो क्या आल्टीट्यूड फैक्टर है? बिल्कुल है। ऑल्दो वो इक्वेटर के पास क्यों ना हो, अगर उसकी हाइट है तो टेम्परेचर उसका कम होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट द सरफेस रीजन। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। चलते दोस्तों आगे, आई होप आपको, आप इंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा है आपको। अब दोस्तों अभी आप सारा जब वापस इसको पढ़ोगे ना बच्चा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बच्चा देखो, मैंने आपको बोला वो हवाएं जो पहली बार आके, वो हवाएं जो पहली बार आके मानसून से बारिश करवाती है, उन हवाओं का नाम है साउथ वेस्ट मानसून। टेंशन नहीं लिया, अभी बस ये बात रखिए, मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। दिस इज बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या है ये? विंड की डायरेक्शन, जिससे इसका नाम पड़ गया। ठीक है, जो परपेंडिकुलरली किसको स्ट्राइक करती है? वेस्टर्न घाट्स को। और बहुत सारी रेनफॉल करवाती कहां पे? वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। लेकिन जो इंटीरियर रीजन है, मतलब जो लीवर्ड साइड में पड़ते हैं वेस्टर्न घाट के, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इंटीरियर रीजन, आंध्र प्रदेश, वो क्या है? रेन शेडो एरिया में होने की वजह से वहां पे रेनफॉल जो होती है वो बहुत कम होती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है दोस्तों, यहां पर समझ आया अच्छे से? चलते हम आगे। अच्छा दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गया इसको। अब एक और फैक्टर बचा, एक और फैक्टर, जेट स्ट्रीम। क्या दोस्तों? जेट स्ट्रीम। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में बता देता हूं बच्चा। जेट स्ट्रीम सबसे न्यू थ्योरी है जो मॉनसून को क्या कर रही है? एक्सप्लेन करती है बड़े अच्छे से, मॉनसून को एक्सप्लेन करती है। देखो बच्चा, अभी भी मॉनसून की स्टडी पूरी 100% एक्यूरेट नहीं है, अभी भी स्टडी चल रही है, नई नई थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी जेट स्ट्रीम जो है वो सबसे न्यू थ्योरी है जिसको क्या कहते हैं, मॉनसून के साथ रिलेट किया गया है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इंडिया के क्लाइमेट में। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों? बच्चा अगर आप देखोगे, जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फियर कि जो एक्सटेंशन है, मतलब आप वर्टिकली अगर धरती से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 किलोमीटर की हाइट में एक नैरो बैंड जो मियांड्रिंग के शेप में हवाएं चलती हैं, जो कहां से चलती है? वेस्ट टू ईस्ट। उसको क्या बोला गया? उसको क्या बोला गया है? जेट स्ट्रीम। बच्चा जेट स्ट्रीम कहां चलती हैं? अगर आप सरफेस से वर्टिकली ऊपर जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर में, स्पेशली इन ट्रोपोपॉज रीजन, वहां पे 11 किलोमीटर की हाइट पे आपको आपको नैरो मियांडरिंग, ठीक है, हवाएं चलती मिलेंगी जो वेस्ट टू, ऐसे मियांडर मतलब ऐसे, जो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रही हैं, उनका क्या नाम है? जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम बहुत टाइप की है, एक है पोलर जेट स्ट्रीम जो परमानेंट जो पोल्स में ट्रोपोस्फेयर की इस हाइट में चलती है, एक है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बच्चा जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर आप देखोगे दिसंबर से लेके, ऑलमोस्ट दिसंबर से लेके मार्च एंडिंग तक आपको क्या मिलता है? क्लाइमेट जो स्काई है बिल्कुल क्लियर मिलता है, आप देखिएगा ऑलमोस्ट क्लियर मिलता है। लेकिन महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कि बारिश होती है, वो क्लियर स्काई जो है उसको डिस्टर्ब करती है हवाएं, जो हवाएं इंडिया के वेस्ट साइड से आती हैं, उनका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आके दिसंबर टू मार्च में हर महीने में 2-3 बार क्या करवाती है? स्पेल में रेनफॉल करवाती है। जम्मू में होती है उस टाइम पे रेनफॉल, कश्मीर में होती है स्नोफॉल। यही पीरियड है चिले कला टाइम का भी जो कश्मीर में होता है। अब बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया के वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, कहां से?
यूरोप के, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी मिलती है, वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होती हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को वहां से इंडिया तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कौन सी दोस्तों? जेट स्ट्रीम है कौन सी आपकी? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कौन सी दोस्तों? दैट इज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिंपल ये बात याद रखनी है बच्चा कि जेट स्ट्रीम बहुत हाई स्पीड में चलती है, नैरो मियांडरिंग क्या कहते हैं जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में चलती हैं। अब सब ट्रॉपिकल रीजन में एट दी हाइट ऑफ 11 किलोमीटर एक जेट स्ट्रीम मिलती है जिसका नाम है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो क्या करती है सर्दियों के टाइम पे दिसंबर से लेके मार्च के बीच में डिस्टर्बेंसेस को लाती है, कहां से? मेडिटेरेनियन सी से कहां तक? इंडिया तक पहुंचाती है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, यूपी थोड़ा सा, यहां पे रेनफॉल करवाती है। उस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से ओरिजिनेट होती है? मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होती है दोस्तों। कहां से ओरिजिनेट होती है? मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर बोलते हैं गर्मियों में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को एक और जेट स्ट्रीम है जो रिप्लेस करती है, उसका नाम है क्या? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो रीजन है किसका? इंडिया में मॉनसून आने का, जो अभी आने वाला है। यही वेस्ट स्ट्रीम क्या करती है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है? तिब्बतन प्लेटी को इतना हीट अप कर देती है कि आपकी जो हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, सदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट होती है इस रीजन में, और आके इंडिया में 3 महीने तक क्या करवाती है? रेनफॉल करवाती है। क्या करवाती है दोस्तों? रेनफॉल करवाती है। क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है, समझ गए? अब बाकी जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, उस फैक्टर्स को हम यहीं तक रखेंगे, वो फैक्टर्स आगे हम सीजन्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीजन में कवर करेंगे। आज जो मैंने आपको बताया, आप पहले 2 पेज क्लाइमेट और वेदर के पीछे डिफरेंस छोड़ के उसके नेक्स्ट जो 1 पेज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद। जब पढ़ लोगे फिर वीडियो देखोगे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जैसे ही हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया खत्म करेंगे आपको इतने डाउट्स जो हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, चिल करें, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें जरूर क्या कहते हैं अपनी क्वेरी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।